असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा बाल विवाह के आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी का अभियान चला रहे हैं। उनके नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में बाल विवाह के हजारों मामलों पर नजर रख रही है और नकेल भी कस रही है। वही हिमंत बिस्व शर्मा की बाल विवाह को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई पर अब सियासत शुरू हो गई है। इसी बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने असम सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वहां पिछले 6 साल से BJP की सरकार है, उन्होंने इसके बारे में क्या किया, ये उनकी असफलता है। कितने स्कूल खोले, जब वो कार्रवाई कर रहे हैं तो वो उन लड़कियों के बारे में क्या करेंगे जिनकी शादी हो चुकी है। साथ ही ओवैसी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि असम सरकार मुस्लिम विरोधी है, पक्षपाती है। पिछले 6 साल से BJP की सरकार है वहाँ पर, और 6 साल में उन्होंने क्या किया इस बारे में, तो ये इनकी नाकामी है। दूसरा ये है कि आपने कितने स्कूल खोले वो बताइए। तीसरा ये है कि जब आप इन पर एक्शन ले रहे हैं तो जिन लड़कियों का विवाह हो गया, निकाह हो गया या शादी हो गई जिस किसी धर्म के मुताबिक, उन लड़कियों का क्या होगा। और ये जो आसाम में BJP की सरकार है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, बायस्ड है। अपर आसाम में जो लैंडलेस लोग थे उनको पट्टा दे दिया ज़मीन का, और लोअर आसाम में नहीं दे रहे हैं, तो ये इनका यही इनकी कारनामे है। आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने बीते दिन कहा था कि राज्य पुलिस द्वारा शुरू किया गया बाल विवाह के खिलाफ अभियान 2026 में अगले विधानसभा चुनाव तक जारी रहेगा। राज्य सरकार के अनुसार 14 साल से कम आयु की लड़कियों से शादी करने वालों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा, और जिन्होंने 14 से 18 साल आयु वर्ग की लड़कियों से शादी की है उनके खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत मामले दर्ज किए जाएंगे। यहाँ पुलिस बाल विवाह के आरोप में पतियों और उनके परिजनों को गिरफ्तार कर रही है, लड़कियों को ससुराल से छुड़ाया जा रहा है और आरोपियों को हथकड़ियाँ पहनाई जा रही हैं। वहीं असम सरकार के इस फैसले के खिलाफ लड़कियां सड़कों पर उतर आई हैं। महिलाएं असम में विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। असम में इस मुद्दे पर सियासत सुलग गई है। अब तक असम में नाबालिग लड़कियों से अवैध विवाह के आरोप में 2000 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार के इस एक्शन पर बवाल क्यों हो रहा है। दरअसल असम के कुछ जिलों में अल्पसंख्यक समुदाय में शादियां कम उम्र में हो जाती हैं। एक बड़ी आबादी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, वही दूसरी तरफ आदिवासी और दूसरे पिछड़े समुदायों में भी बाल विवाह परंपरा के तौर पर रहा है। ऐसी स्थिति में गिरफ्तारी और केस के मामले बढ़ सकते हैं। सरकार के इस फैसले पर इसी वजह से हंगामा बरपा हुआ है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।